निर्माण की यह मांग इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों की लंबे समय से चली आ रही थी और इसके कारण बहुत सारी दुश्वारियों का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा था। मैं समझता हूँ कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तरीके से इस ब्रिज का निर्माण किया है, और यह भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डीजी ने बताया कि अब तक बीआरओ के द्वारा जितने भी ब्रिजेस बनाए गए हैं उनमें सबसे लंबा यह ब्रिज है। तो इस ब्रिज के बन जाने के कारण बहुत जो कनेक्टिविटी की समस्या थी और जिसके कारण लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था, लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, इससे लोगों को निजात मिलेगी। मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इस काम के लिए मैं बधाई देता हूँ। सर, कश्मीर में जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, नो डाउट कि आतंकवादियों की कमर टूट चुकी है, क्या अब वो दिन दूर नहीं कि जब आतंकवाद मुक्त होगा कश्मीर? मैं ये मानकर चलिए कि इसमें कहीं दो राय नहीं कि आतंकवाद से निजात मिलकर रहेगा। और मैं तो यह मानता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जहाँ पर भी आतंकवादी वारदात हुई, जिस तरीके से सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी एकजुट हो रही है या एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, तो आतंकवाद से यहाँ पर कश्मीर को निजात मिलेगा, जम्मू को निजात मिलेगा, वहीं पर सारी दुनिया को भी निजात मिलेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। इस तरह की 20 साल पहले आज ही के दिनों में कारगिल के क्षेत्र में लड़ाई लड़ी जा रही थी, क्या आज पाकिस्तान ऐसी हिमाकत कर सकता है यहाँ हमारे साइड आके घुसपैठ करके? अच्छा सवाल किया आपने। अभी मैं कारगिल भी होकर आ रहा हूँ और उन चोटियों को भी मैंने देखा। हमारे साथ आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत जी भी थे, डॉक्टर जितन सिंह जी, जहाँ पर हमारे जांबाज बहादुर शौर्य और पराक्रम के धनी जवानों ने ऊपर चढ़ कर के पाकिस्तान की सेना को पीछे खेलने में कामयाबी हासिल हुई की थी और भारत को विजय हासिल हुई, जिसके परिणाम से मैं देख कर आ रहा हूँ। कल से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है, कल से लगातार नौशहरा में समस्त देशवासियों से मैं कहना चाहता हूँ, इस देश का जो नेतृत्व है हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके ऊपर भरोसा रखिए और हमारे देश के सेना के और फौज के जितने भी अधिकारी जवान हैं उन पर पूरा भरोसा। कारगिल से रिलेटेड सर, हमारे विश्वास होगा कि भरोसे पर नहीं। सर, आपने अभी कहा कि हमारी फोर्सेस ने बहुत वैलेंटली जो है वो कंटेन किया है टेररिज्म, जो ये ठान चुके थे कि हमने इसको हेवन को हेल बना के रखा है, तो अभी बातचीत के लिए कुछ पॉलिटिकल इनिशिएटिव के बारे में आपने कहा कि हमने बहुत बार उनसे आह्वान किया, वो नहीं आ रहे, तो ये क्या मतलब स्टैंड अप तोड़ने के लिए कोई पॉलिटिकल इनिशिएटिव होगा? स्टैंड अप क्या, तो जितनी पहल गृहमंत्री को, इस देश के गृहमंत्री को करनी चाहिए उतनी पहल तो मैंने की तरफ से कर दी। अब उसके बाद वो फैसला करें कि क्या करना। सर, रक्षा मंत्री, आप गृहमंत्री भी रहे हैं, अब आप रक्षा मंत्री हैं, कश्मीर को देखें तो क्या लगता है वहाँ क्या सबसे बड़ी चुनौती है कि कश्मीर हल इतने समय से नहीं हो पाया, जिसे अब पार पा लिया जाएगा? नहीं, मैं समझता हूँ उसका यहाँ बैठकर विश्लेषण करने की कोई जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर को निजात मिलेगा और जम्मू कश्मीर में अमन अमान के हालात पैदा हो सकते हैं। कश्मीरी पंडित को लेकर एक आखिरी सवाल है सर, कश्मीरी पंडित को लेकर एक आखिरी सवाल है।